26 ग्यारह के मुंबई आतंकी हमले के 9 वर्ष पूरे होने पर आज पूरे शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। घटना की 9वीं बरसी पर शहर की पुलिस सलामी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। हमले में शहीद जवानों की याद में मुंबई के फोर्ट इलाके में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर और किरण रिजिजू भी शिरकत करेंगे। आज पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले में 164 लोग मारे गए थे, जबकि 308 लोग घायल हुए थे। सेंट्रल रेलवे के मुसाफिरों को आज मेगा ब्लॉक की वजह से परेशानी हो सकती है। सेंट्रल रेलवे रूट पर कल्याण से कसारा के बीच शनिवार आधी रात से आज सुबह 8 बजे तक मेगा ब्लॉक रहने की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आज कई लोकल ट्रेनें रद्द की गई हैं। टिटवाला और आठ गांव के बीच पुल निर्माण का काम चल रहा है, इसी वजह से मेगा ब्लॉक किया गया है। मुंबई के पास ठाणे में सोने की चेन चुराने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से करीब 8,25,000 रुपए कीमत के 41 तोला सोने के जेवरात मिले हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही चेन चोरी के 17 केस सुलझने की उम्मीद है। इनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अजमेर से हुई है। सभी आरोपियों को 29 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम की सभा में घुसकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। संजय निरुपम ने मुंबई के घाटकोपर इलाके में झुग्गी बचाओ कार्यक्रम के तहत एक सभा आयोजित की थी। अचानक एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और मंच पर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने के बाद मानुषी छिल्लर भारत लौट आई हैं। मुंबई पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अगले कुछ दिन मानुषी छिल्लर का बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम है। हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में विश्व सुंदरी का ताज अपने नाम किया था। दिल्ली में अपहरण के एक मामले में नाइजीरियाई मूल के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने नाइजीरियाई मूल के ही जेम्स रॉबर्ट नामक शख्स का अपहरण कर लिया था। जेम्स की पत्नी से फोन पर 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस के मुताबिक अपहरण का ये मामला 6 घंटे में सुलझा लिया गया। दिल्ली के बवाना में एक युवक पर तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले करने का आरोप है। सुल्तानपुर डबास इलाके में पीड़ित युवक अपनी महिला दोस्त के साथ खड़ा था। आरोपों के मुताबिक 2-3 बाइक सवारों ने उन पर तेल फेंका और आग लगा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गए। युवक 60% तक जल चुका है और अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली के उत्तम नगर में मामूली झगड़े के चलते एक महिला ने 2 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी। पड़ोसी महिला के साथ हुए मामूली से झगड़े के चलते आरोपी महिला बच्चे को अगवा कर उसके घर के अंदर ले आई और पीट पीट कर मासूम की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने शव को बोरे में भर कर घर के अंदर ही छिपा दिया था। पीड़ित परिवार ने जब बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो मासूम बच्चे का शव आरोपी महिला के घर से मिला। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर में बस में हत्या के सभी आरोपी पकड़े गए हैं। पकड़े गए सभी 5 आरोपी नाबालिग छात्र हैं। सभी आरोपियों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी आश्रम चौक के पास बस में चढ़े थे। बस में उन्होंने युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर उसे चाकू मारकर फरार हो गए। इस केस में 5 चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन्वॉल्व थे, जिसमें से 4 को अप्रीहेंड कर लिया गया है। दिल्ली के कई स्कूल अपने यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करने वालों का बैकग्राउंड चेक कराने का काम आउटसोर्स से कर रहे हैं। ऐसा स्कूलों में हो रही हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कई स्कूल अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच भी नए सिरे से करा रहे हैं। स्कूलों का कहना है कि बैकग्राउंड चेक करने का काम विशेषज्ञ एजेंसियों को देना सबसे उचित विकल्प है।